ये भाई दोस्तों, तो अंडा लेकर आ गए हैं हम। बफका वो रहा उसका अंडा, पहले भी एक पाऊ में मैंने इसके तकलीफ इसमें भी है। हाँ ना, इसकी तकलीफ हो रही अच्छी खासी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह जब मैंने अपना पूरे का पूरा सेटअप खोला था, तो कल आप लोगों को याद होगा हमारा जो इसमें एक चूज़ा बंद था वो ज़ख्मी हो गया था। उसके जो है चूँच टांग पे मार दिया था हमारे वाइट वाले, किसने वो कहाँ गया भाई, गायब हो गया पीछे की तरफ है दोस्तों। वो उसने जो है मार के हमला करके उसके ना टांग पे ज़ख्मी कर दिया था, मतलब कुछ तो करा ऐसा जो वो ज़ख्मी हुआ है। तो इस वजह से मैंने सुबह में मैं देखा कि वो यहाँ पे बैठा हुआ, तो ये सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ रहे थे। मैंने जल्दी से निकाला और उसको शिफ्ट करा वहाँ पर, ये देखें दिख रहा है अंदर। तो दोस्तों वो ये रहे, छोटे मियाँ को मैंने यहाँ पर रख दिया था क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। ये देखें, ये सुबह भी सही से चल नहीं पा रहा था और इसकी टांग में ऐसा क्या लगा है पता नहीं, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने पूरा चेक कर लिया था और इसकी मालिश भी कर दी थी टांग की, कि अल्लाह ना करे इसको अगर कोई मसला हो रहा हो ज़्यादा। तो इसकी मैंने टांग पे सारा लगा लोगों के कल रख दिया था, लेकिन गलती ये कर गया था कि इसको नीचे रख दिया था मैं इनके साथ, इसको मैंने अलग ही रखना था यहाँ पर, तो ये सही रहता। पर दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि यार ये पता नहीं सेट हो पाई या नहीं। चल दोस्तों, अब मेरा काम यह है कि इसको जो है हम अपने छोटे से चूचू को प्यारे से इसको मैं रख देता हूँ धूप में, थोड़ी सी धूप सेके। ये क्या पता इसकी टांग सेट हो, क्योंकि धूप से काफ़ी ज़्यादा सेटिंग आ जाती है। चलें दोस्तों, इसको मैं लेता हूँ इसके अंदर। अरे भाई बड़े तुम वो, ये भी चुलबुल हैं बड़े, बैठ जाए इसमें। तो दोस्तों थोड़ी सी धूप लगने देते हैं यहाँ पर, ये थोड़ी धूप में बैठे इसकी सेटिंग आ जाएगी पाँव में इंशाल्लाह। थोड़ा सा धूप सेको, हाँ सेट है। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, धूप सेकते रहो, सेट हो जाओगे। थोड़ी सी धूप खा लें इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अरे कहाँ बाहर आ गए हो भाई? दोस्तों अभी रखा ही था और ये बाहर आ गए हैं भाई साहब। तुम नीचे बैठो इधर, चलो नीचे रहो। यार इसके लग गई थी यार, ये नहीं मान रहा दोस्तों। धूप में रखता हूँ फिर उठ के यहाँ पर आ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर रख रहा हूँ फिर आ रहा है। तो इसको अंदर ही रख रहा हूँ, इसको धूप की ऐसी खास ज़रूरत नहीं। और मुझे बीमारी में भी लग रहा है ये देखें। अब बीमारी तो क्या, वो जब इस ज़ख्म में एक तकलीफ़ हो जाती है इंसान के भी, तो वो निढाल हो जाता है। इसको यहाँ ही रख देता हूँ, थोड़ा अंदर ही रहो भाई, तुम सुकून से रहोगे अंदर ज़्यादा। दोस्तों अब मेरे माइंड में, और हमज़ा भी आज घर पे, हमज़ा के माइंड में भी एक चीज़ आई थी कि हमारा जो बफ का अंडा पड़ा हुआ है हमारे पास, तो वो तो ना इनक्यूबेटर अभी हम चला पा रहे हैं क्योंकि लाइट बहुत जा रही है। तो इनक्यूबेटर में भी एक मसला हो गया था हमारी मशीन में, उसका जो टेम्परेचर का मसला हुआ था ना, टेम्परेचर की जो मशीन होती है वो सही से चल नहीं पा रही है, तो उसके वजह से काफ़ी मसले हो रहे थे। मैंने ला रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो हमारे ख्याल आया माइंड में कि हम क्यों ना इनके नीचे वो अंडा रख दें, क्योंकि ये एक अंडे पे तो बैठे हुए हैं तो दूसरे अंडे पे भी बैठ जाएंगे उस पर। वो अंडा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी इनके अंडे के बराबर ही है। बट दोस्तों रखना आज ही है, तो मैं अंडा लेकर आ रहा हूँ और उसको अभी के अभी रख देते हैं, क्योंकि इसे बैठे हुए अंडों पे 3 दिन हो गए हमारी जो कबूतरी है। और ज़्यादा लेट करा तो आपको पता है 21 दिन का पीरियड होता है, तो 3 दिन इनके निकल चुके हैं। तो अब मैं रखूँगा दोपहर में, तो आप लगा लें अंदाज़ा, फिर उसके बाद रिस्क एक तरीके से कि निकालते हैं या नहीं। तो चले मैं जल्दी से पहले अंडा ले आऊँ। हे भाई दोस्तों, तो अंडा लेकर आ गए हैं हम बफका। चलो भाई, तो ये तो बैठी हुई हैं आराम से, उनके नीचे रख देते हैं। ये लमगड़ा मैं हमजा को ही दे रहा हूँ, ये सुकून से रख देगा नीचे इसके। देखते हैं अब एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। यार सेम उसी की इतना अंडा है, नहीं थोड़ा सा फर्क है। चलो भाई दोस्तों नीचे तो रख दिया है, अब मेरे को थोड़ा सा वो है खच्चा कि अल्लाह ना करे यार तोड़ तोड़ा ना दे अंडा कहीं, क्योंकि पहले भी हमारी एक मादा के नीचे हमने इनके नीचे रखा था ना डफ का अंडा इनके नीचे रखा था, तो आप लोगों को याद होगा उसने तोड़ दिया था। पिछली वीडियो में है मेरे अपलोड है, आप लोग देखिएगा, उसने डफ का अंडा बकायदा तोड़ दिया था पूरे का पूरा, शायद पी गए थे। तो वो एक अजीब ही किस्सा हुआ था, लेकिन उसका अंडा दोस्तों छोटा था बहुत, तो इस वजह से मुझे लग रहा था उन्हें समझ आ गया था कि हमारा नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं करा था उन्होंने। बाकी दोस्तों कॉकटेल का क्या सीन है, कॉकटेल ने अंडे तो दिए हैं, मैंने आपको बोला था मैं चेक करूँगा, पर आज नहीं एक दिन और छोड़ूंगा, क्योंकि मादी जो है वो अपनी हांडी में वापसी जाना शुरू हो गई है, बाहर आना शुरू हो गई थी पर अब वापसी जा रही है। तो इस वजह से मैंने बोला अभी ना झाँका जाए, हो सकता है वो डर गई हो, तो इसलिए अभी झाँकना गलत है। इधर आ जाओ पकड़ो सर। इसके पहले भी तरी में उतार चुका हूँ और साफ़ हो गया था इसके। ये देखो, ये नहीं है इतनी जितनी वो है।
पहले भी एक पाँव में मैंने इसके तकलीफ इसमें भी है। हाँ ना, इसके तकलीफ हो रही है अच्छी खासी। इसके काम करते हैं वो पट्टी बांध देते हैं ना, साबुन की गिट्टी होती है ना वो लगा के, उसका कोई तरीका होता है दोस्तों। जो इनके अगर तरी हो जाए तो साबुन की गिट्टी होती है छोटी जो बचे आपके पास, तो वो लगा के पट्टी बांध दिया गया ना, तरी सेट हो जाती है बिल्कुल। यार एक तो चक्कर लगा लगा के ना मैं इतना स्लिम हो गया हूँ कि क्या बोलूँ। खैर ये लिया है भाई, ये ले अंदर उठाओ उसको, खाएं देख के गिट्टी भी इसी के अंदर हो रही। एक लाया, हाँ गिट्टी है वो बड़ी है, वो टूट जाएगी बीच से। चलो बाहर आ जाओ छोटे डॉन। चलो भाई आ गया, पकड़ ले। चलो दोस्तों इसकी तरी उतरेगी, ये देखें जो उतरेगी उसके बाद लगेगा, आराम से आराम से, कुछ भी नहीं होता। ये देखें खुरंड होता है दोस्तों, जैसे हमारे हो जाता है वही वाला चक्कर होता है ये भी। यार ये बनवाने में काफ़ी मुश्किल कर रहा है, तो मैं मोबाइल रख के पहले इसको बनवा लूँ दोस्तों, फिर इसको छोड़ देंगे नीचे। आ जाओ बाहर आ जाओ दोस्तों, पट्टी बांध दी है ये देखें, अब ये खोलने की करेंगे। साबुन लगाए ना तो उसकी ऐसे हल्का सा गीला करना पड़ता है ताकि गीले हो जाएँ, तो वो सेट हो जाए, थोड़ा सा साबुन मेल्ट हो गया इसके ज़ख्म में लग जाए। तो अब इसको दोस्तों कुछ दिनों बाद उतारेंगे, कुछ दिनों ये लगा लेंगे, तकरीबन 4-5 या फिर हो सकता है 1 हफ्ता, जैसा सही लगा। बाकी इनकी जो वाइफ हैं महबूबा, वो बड़ा तरफ रही हैं, वो देखें उसको मैं जाके खोल देता हूँ फ़ौरन पहले, वरना वो इसके लिए पूरा हो जाएंगी। हम ना देखना निकल के भागेंगी कैसे। जाओ 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 भागती कैसे ये बड़ी मोहब्बत करती है छोटे डॉन से, और पता नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे पले हैं साथ, क्योंकि जब हम इसके पट्टी बांध रहे थे इतनी तेज तेज चिल्ला रही दोस्तों अंदर से, पका इसकी आवाज़ें आ रही, बस चिल्लाने में लगी पड़ी थी। अरे हमजा के गिर दोस्तों पूरा झमघट्टा लगा हुआ, ये देखें सारे के सारे ये आ गए, क्योंकि आटा खिला रहा है वो। यार इनका जो है ना दोस्तों वेट काफ़ी गिर रहा था, खास तौर पे हमारे इस वाइट वाले का, क्योंकि ये कुछ खाता ही नहीं है, इसको जो भी डाल दो ऐसा रहेगा, घूमता फिरता रहेगा। खाएगा लेकिन खाने से ज़्यादा ना मस्तियों में रहता है अपनी, या वहाँ घूम रहा होगा या फिर वहाँ नहाने बैठ जाएगा, और जब मैं खाना डालूंगा ना तो मतलब खुराक नॉर्मल लेता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। वैसे एक्टिव है और माशाल्लाह से सही भी है, बिल्कुल सेट है, पर खाने में काफ़ी वो नहीं है, भाई बोलते हैं ना चुस्त के बिल्कुल खाने वाला, वो चीज़ बात नहीं है दोस्तों। इनको भी आटा डाल दिया था, इन सारों के साथ साथ इन सब के तो पेट फुल हो गए, तो ये देखें हमदा डाल रहा था, और उसी के दौरान इन भाई साहब की भी टांग दब गई किसी के बीच में एक के, तो ये हमारे छोटे आले भी ये देखें आटा चबा रहे हैं, अभी तक आटा खा रहा है। इधर आप कौन सी टांग पर लगी है, इसकी एक टांग पर लगी है इस वाली, ये देखें ये इस टांग से लंगड़ा रहा है, लेकिन ये शुक्र है इसके ज़्यादा नहीं लगी है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर इसके ज़्यादा लगी है तो ज़्यादा ये नुकसान हो जाएगा, और अगर इसको उनके साथ छोड़ा, क्योंकि वो फिर चढ़ चढ़ के इसकी टांग ख़राब कर देंगे। बाकी दोस्तों एक और चीज़, हमारे जो कबूतर हैं वो दोनों अंडों पर बैठ गया है माशाल्लाह से, ये देखें दोनों के दोनों अंडे इसके नीचे हैं, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखें दोस्तों दोनों अंडे नीचे रख के बैठा हुआ है अपने, वो रहा उसका अंडा, दोनों अंडे दोस्तों नीचे रख दिए हैं इसके। अब ये बिल्कुल सेट हो गए, इन्हें ईटअप दे दे बस यार। अब दोस्तों सिर्फ इतनी दुआ करनी है कि अल्लाह करे ये इस अंडे में से बच्चा निकाल दे बफ का, और कबूतर के नीचे हमने रख तो दिया है, अब देखते हैं ये बफ का अंडा निकालता है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल गर्मी शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।